हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स लर्निंग ट्रिक के बारे में। कई दिनों से कई स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि WBC को याद करने के लिए एक ट्रिक दिया जाए, क्योंकि WBC में एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है और फिर 5 अलग अलग तरह के WBCs होते हैं, तो उनको याद करने के लिए एक ट्रिक प्रोवाइड करी जाए। और ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ईजी ट्रिक है जिसको याद करने में आपको आसानी होगी, और डेफिनेटली इस ट्रिक से आपको WBC के सारे नाम याद हो जाएंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। देखिए, हम जानते हैं कि जो WBC होता है वो दो तरह का होता है, ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह का होता है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल जिसको ईसिनोफिल भी कहते हैं, और तीसरा है बेसोफिल। उसी तरह ए ग्रैन्यूलोसाइट्स दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो अगर हम ग्रैन्यूलोसाइट्स को याद करने की ट्रिक देखें तो हमें बस एक नाम याद रखना है, वो है बैंग, BANG, बैंग। बी मतलब बेसोफिल से है, ए मतलब एसिडोफिल से है, एन मतलब न्यूट्रोफिल से है, और जी हमारे ग्रैन्यूलोसाइट्स के लिए है। तो ये बैंग वर्ड याद रखेंगे तो आपको ग्रैन्यूलोसाइट्स याद हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ए ग्रैन्यूलोसाइट्स की बात करें तो MLA याद रखेंगे हम। MLA हम जानते हैं, M का मतलब मोनोसाइट्स, L का मतलब लिम्फोसाइट्स, और A यहाँ पर ए ग्रैन्यूलोसाइट्स के लिए है। तो केवल आपको एक वर्ड याद रखना है, MLA और ए ग्रैन्यूलोसाइट्स आपको याद हो जाएगा। यानी पूरे WBC को याद करने का केवल एक छोटा सा ट्रिक है, बैंग MLA। तो बैंग ग्रैन्यूलोसाइट्स के लिए है और MLA ए ग्रैन्यूलोसाइट्स के लिए है। चलिए अब एक यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन आपको याद रखना है, जिससे आपको परसेंटेज भी याद हो जाएगा कि कौन ज़्यादा होता है और कौन सबसे कम प्रेजेंट होता है WBC में। तो सबसे ज़्यादा देखिए न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं और सबसे कम बेसोफिल्स पाए जाते हैं, तो यही ऑर्डर है, ठीक है। तो उल्टा हम याद रखेंगे, उल्टा मतलब नीचे से ऊपर हमें याद रखना है, और ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे कम बेसोफिल, उससे ज़्यादा ईसिनोफिल, उससे ज़्यादा मोनोसाइट्स, उससे ज़्यादा लिम्फोसाइट्स, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स। तो इसको याद करने का, इस ऑर्डर को याद करने का तरीका है, बेबी ईट्स मैनी लवली नट्स, बेबी ईट्स मैनी लवली नट्स। बेबी में बी मतलब बेसोफिल से है, ईट्स में ई का मतलब ईसिनोफिल से है, एम मोनोसाइट्स के लिए है, एल लिम्फोसाइट्स के लिए है, और नट्स का जो एन है वो न्यूट्रोफिल्स के लिए है। तो बस दो आपको चीज़ याद रखनी है, एक है बैंग MLA और दूसरा बेबी ईट्स मैनी लवली नट्स। बस ये छोटा सा ट्रिक, पूरा WBC और उनका ऑर्डर भी आपको याद हो जाएगा।